नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए जानते हैं आज हम सभी उन वजहों को जिनसे कमर दर्द होता है, इसको सिर्फ एक सप्ताह में जड़ से खत्म करने का सबसे आसान घरेलू उपाय भी साथ साथ जानते हैं। बढ़ती उम्र अपने साथ कई तरह की शारीरिक बीमारियां और दर्द साथ लेकर आती है। इनमें जो सबसे भयानक और आम दर्द होता है वो है कमर दर्द। वैसे कमर दर्द से कोई भी प्रभावित हो सकता है। हमारी दिनचर्या में आधुनिकीकरण इतना हावी हो गया है कि युवा वर्ग भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन प्रायः बढ़ती हुई उम्र और औरतों के साथ यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। यह ऐसी समस्या है जो लंबे समय तक बनी रहती है और इससे पूरी तरह से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इसका सटीक हल बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप कमर दर्द पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। कमर दर्द होने के 5 प्रमुख कारणों को जान लेते हैं। शरीर में वजन का बढ़ना। अगर आपके शरीर का वजन बढ़ गया है तो आपको कमर दर्द की समस्या हो जाती है, क्योंकि जब आपके शरीर का वजन बढ़ता है तो इसका आधे से ज़्यादा भार आपकी कमर पर होता है। भारी वजन उठाना। भारी वजन उठाने पर भी ये समस्या पैदा हो सकती है, इसीलिए आपके पास जितना वजन उठाने की क्षमता है उतना ही उठाएं। गलत तरीके से सोना। जब कभी आप सोते वक्त ऐसी पोजीशन में आ जाती हैं जो आपके शरीर के उल्टी दिशा में होता है, सोने का यह गलत तरीका आपको कमर दर्द की समस्या से पीड़ित कर सकती है। गलत तरीके से उठना, झुकना और बैठना। आप रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम करती हैं, कैसे उठती हैं, कैसे बैठती हैं या झुकती हैं, आपको बता दें कि इन तीनों क्रियाओं को करने पर लापरवाही आपके लिए कमर दर्द का कारण बन सकती है। जी हाँ, मांसपेशियों में खिंचाव। कभी कभी आप कोई ऐसा काम करती हैं जिसे सामान्य तौर पर आप हमेशा नहीं करती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पास किसी काम को बहुत ही जल्दबाजी में करते हैं और ऐसा करते समय कभी कभी हमारी मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं। मांसपेशियों में होने वाला यही खिंचाव हमारे कमर दर्द का कारण बनता है। कमर दर्द के अब घरेलू उपायों के बारे में जान लेते हैं। सरसों का तेल और लहसुन। जी हाँ, अगर आपको कमर के दर्द की हमेशा शिकायत रहती है तो सरसों का तेल एवं लहसुन आपको इससे छुटकारा दिलाने का बेजोड़ इलाज है। इसके लिए 3 से 5 चम्मच सरसों का तेल और 5 लहसुन की कलियों को एक साथ गर्म करना है। इसको तब तक गर्म करते रहना है जब तक कलियां काली न हो जाएं। अब आप इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे दर्द वाली जगह पर मलना है आपको। रोजाना सोते वक्त इसका इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से कुछ ही हफ्तों में आपका कमर दर्द जड़ से मिट जाएगा। गर्म पानी से सिकाई। अगर आपके कमर में तेज दर्द होता है तो आपको इसकी सिकाई गर्म पानी से करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको इस समस्या से आराम मिल जाएगा। अजवाइन। अजवाइन आपके लिए बहुत असरदार दवा है। अगर आपकी कमर का दर्द खत्म नहीं हो रहा है तो आपको अजवाइन का सेवन करना चाहिए। आप आधी चम्मच अजवाइन को पहले तवे पर हल्का गर्म कर लें, बाद में ठंडा होने पर इसका सेवन करें। इसको धीरे धीरे चबा चबा कर खा जाएं और ऊपर से हल्का गुनगुना 1 गिलास पानी पी जाएं। यह प्रयोग लगातार 7 दिन तक करने से 100% कमर दर्द में फायदा पहुँचता है। गर्म नमक का सेंक। गर्म नमक का सेंक भी कमर दर्द के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। इसके लिए नमक को गर्म करें और इसे किसी कपड़े या तौलिए में लपेटकर अपने कमर पर सिकाई करें। ऐसा करने से आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। इसके अलावा गर्म और ठंडा। अगर आपके कमर दर्द की समस्या खत्म नहीं हो रही है तो आपको इसके लिए गर्म और ठंडे का मिश्रण इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप पहले दर्द वाली जगह पर गर्म पानी से सिकाई करें और बाद में इस जगह पर बर्फ लगाएं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी वो जानकारी जिसके सहारे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।